नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसी कहानी सुनेंगे ना कि जो हम लोग को बहुत कुछ सीख दे के जाएगी। यानी ये कहानी अगर हम लोग पूरी सुनेंगे ना तो बहुत कुछ शिक्षा दे के जाएगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी जीवन में। यानी ये कहानी सुनने से पहले आप लोग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। यानी जो कहानी एक छोटे से गाँव की, एक छोटा सा गांव, वहां पे दो लोग रहते थे। कौन से? यानी एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। दोनों लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। यानी उन दोनों ने पूजा आराधना शुरू की भोलेनाथ की। दोनों लोगों ने पूजा आराधना भोलेनाथ की शुरू कर दी। यानी एक साल बीता, दो साल बीता, तीन साल बीता, चौथे साल भोलेनाथ प्रकट हुए बारी बारी करके दोनों लोग के पास। यानी दोनों लोग के पास प्रकट हुए तो एक से पूछा, मांगो वत्स, क्या मांगना है? तो मांगो बेटा, क्या तुमको मांगना है? कोई वरदान मांगो। यानी एक बेटे ने कहा कि भोलेनाथ मुझे ऐसा वर दो कि मेरे पास सिर्फ पैसा आए जाए ना। यानी उन्होंने क्या कहा, मेरे पास सिर्फ पैसा आए लेकिन जाए ना पैसा। यानी एक व्यक्ति ने मांगा, पहले व्यक्ति ने मांगा, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे भोलेनाथ। यानी जो पहले व्यक्ति ने मांगा उन्होंने कहा तथास्तु, वो पहुंचे दूसरे व्यक्ति के पास। दूसरे व्यक्ति से कहा, बेटा तुमको जो वर मांगना है जो मांगो, सारे वर तुम्हारे, सारी मुराद तुम्हारी पूरी होगी। उस दूसरे व्यक्ति ने पता है क्या मांगा? उसने कहा कि भोलेनाथ प्रभु, मुझे इतना चाहिए कि जो मेरे दर पे आए, जो मेरे द्वार पे आए, जो मेरे घर के बाहर आए, भूखा ना जाए कभी। उन्होंने भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। एक साल बीता, दो साल बीता, तीन साल बीता, चार साल बीता, पांच साल बीता, छह साल बीता, बीतते बीतते 10 साल बीत गए। 10 साल तो एक था जिसने मांगा था कि मेरे पास पैसा आए जाए ना। यानी वो बैठा था सड़क पे भिखारी बन के। यानी वो कहां पे बैठा था? वो भिखारी बन के बैठा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था पैसा आए लेकिन पैसा जाए ना। यानी मुझे सब लोग दें, हम किसी को ना दें। वो कहां पे बैठा था? वो सड़क पे भिखारी बन के बैठा था। लेकिन जो दूसरा था वो बिजनेस कर रहा था, बहुत बड़ा बिजनेस मैन, और उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। क्योंकि उसके पास होगा तभी तो उसके घर के बाहर पुएगा, तभी तो उसको खिलाएगा, तभी तो उसको कुछ देगा। लेकिन जो पहले वाले व्यक्ति ने था उसके अंदर लालच थी कि मेरे पास पैसा आए लेकिन जाए ना पैसा। तो उसके पास रोज पैसा आता था, वो सड़क के बाहर बैठता था, सड़क पे बैठता था, मांगता था, भिखारी था। उसके बाद पैसा देते थे, छुट्टे देते थे, सब लोग देते थे, लेकिन उससे कोई मांगता नहीं था। लेकिन जो दूसरा था वो क्या था? यानी उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था कि जो मेरे घर के बाहर आए वो कभी भूखा ना जाए भोलेनाथ। यानी वो अपने लिए उसने नहीं मांगा था, उसने क्या मांगा? जो मेरे घर के बाहर आए वो कभी भूखा वो ना जाए भोलेनाथ, बस मुझे इतना सवार था। उसको भगवान ने बहुत अमीर बना दिया, क्योंकि उसके तर पे अगर कोई आएगा उसके पास रहेगा नहीं तो देगा कैसे? ये होती है कहानी। यानी अगर तुम मांगोगे, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हमेशा खुद के सेल्फिश नहीं होना चाहिए, खुद के लिए नहीं जीना चाहिए। खुद के लिए जीने का अंजाम उसको देख लो। उसने क्या मेरे पास पैसा आए जाए ना, उसने सिर्फ खुद के लिए मांगा था, दूसरे ने जाने के लिए नहीं कहा था कि जाए पैसा। लेकिन जो दूसरा था उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उसने हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए उसने किया था। ये कहानी आप लोग को बहुत कुछ सीख दे के जाएगी। इस कहानी को अवश्य सुने। आप लोग को इस कहानी से बहुत ही, जो भी आप लोग को अच्छा मिला हो यानी वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत।